तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं। सागर जल राशि जहाँ, सागर जल राशि जहाँ, स्वर्ण भूमि बालुका पे, स्वर्ण भूमि बालुका पे, छिटके प्रतिबिंब जा पे, छिटके प्रतिबिंब जा पे, रंग भूमि रंग 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 भूमि रंग रंगे, ऐसो मधुर दृश्य कहाँ, सागर जल राशि जहाँ, सागर जल राशि जहाँ, सागर जल राशि जहाँ। अनंत जल राशि को धारण करने वाले हे रत्नाकर, तेरे गर्भ में कितने मोती हैं उसका आंकलन करना मानवीय बुद्धि के लिए असंभव है। अनंत प्राणी तुम्हारी छत्र छाया में जीवन पाते हैं, तेरा ही जल वाष्पित होकर बादलों के रूप में वर्षा को प्राप्त होता है, जिससे पृथ्वी पर मानव सहित पशु पक्षी जीवन धारण करते हैं। तू इतना महान है कि संसार की सभी नदियों को अपने में समाहित कर अपना ही स्वरूप बना लेता है। परमात्मा ने तुझे ऐसी विचित्र शोभा दी है कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य भी जब उगता है या डूबता है तो आंखों को ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य तेरे ही अंदर से उगता है और तेरे अंदर ही डूब जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी से भी अधिक गहराई वाली गर्त तुम्हारे अंदर है, फिर भी तू शांत रहता है, यही तो तेरी महानता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के साथ अटखेलियां करती हुई तेरी लहरें समस्त प्राणी मात्र को प्रेम का संदेश देती है। मनुष्य तो तुम्हारे हृदय में निवास करने वाले अरबों जल जीवों को प्रतिवर्ष अपना आहार बना लेता है, तथा बदले में नदियों के माध्यम से संसार का सारा कचरा तुम्हारे अंदर डाल देता। कैसा कृतज्ञ है आज का मानव। राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को न समझने वाला एक सामान्य व्यक्ति अपने घर को साफ कर सारा कचरा सड़क पर फेंक देता है। उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं होती कि मेरे द्वारा फेंका गया यह कचरा किसी के पैरों से टकराकर उसे मार्मिक पीड़ा देगा और उस मार्ग को दुर्गंधित करता रहेगा। किंतु एक शिक्षित और अपने राष्ट्र तथा समाज के प्रति निष्ठावान व्यक्ति
अपने घर को स्वच्छ कर सारा कचरा या तो कूड़ा पात्र अर्थात डस्टबिन में रखेगा या कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किसी गड्ढे में। ट्रेन के सामान्य डिब्बों में यात्रा करने वाले लोग प्रायः मूंगफली आदि खाकर छिलकों को अपनी सीट के नीचे फेंकने में जरा भी झिझक नहीं करते। वे यह नहीं सोचते कि वे उसी स्थान को गंदा कर रहे हैं जहां पर वे बैठे हैं। वे छिलकों को खिड़की के बाहर सरलतापूर्वक फेंक सकते हैं, किंतु समाज एवं राष्ट्र के प्रति निष्ठाहीनता ने उन्हें ऐसा करने के लिए विवश कर दिया है। अपने स्थान पर गंदगी फैलाते समय वे यह भूल जाते हैं कि एक पशु भी जब कहीं बैठता है तो उस स्थान को साफ करके ही बैठने का प्रयास करता है। जापान के लोगों की राष्ट्र निष्ठा संसार में सर्वोपरि है। वे अपने राष्ट्र की उन्नत एवं स्वच्छता के प्रति निरंतर सजग है। यूरोप एवं अमेरिका में दंड भय से स्वच्छता की परंपरा है। नेपाल, सिक्किम एवं असम आदि प्रांतों में स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता है, किंतु देश के अधिकतर भागों में स्वच्छता के प्रति घोर उदासीनता है। लोगों को सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने में जरा भी झिझक नहीं होती। इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या होगा कि राष्ट्र की अस्मिता की प्रतीक राजधानी दिल्ली भी स्वच्छता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जिस नगरपालिका के अधिकारी राष्ट्रवादी होते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं, वे नगर को पूर्णतया स्वच्छ रखना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। वे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, जगह जगह कूड़ादान रखवाते हैं तथा उसकी ढुलाई कराकर उचित निस्तारण की व्यवस्था करते हैं। वे इस बात का भी पूर्णतया ध्यान रखते हैं कि औद्योगिक इकाइयां अपने कचरे को बिना साफ किए नदियों में न बहाने पाए। किंतु जिस नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्र तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझते, वे अपनी अकर्मण्यता, आलस्य और धन के लोभ में नगर का सारा कचरा नदियों में बहाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। उनके मन में यह जरा भी विचार नहीं आता कि नदियां मल को ढोने के लिए नहीं है, वे राष्ट्र की जीवन रेखा है। वे हमें अमृतमय जल प्रदान करके हमारा पोषण करती है। आलस्य और स्वार्थ जब कर्तव्य निष्ठा पर हावी हो जाते हैं तो चारों ओर गंदगी का साम्राज्य दिखाई देने लगता है और उसे देखकर प्रायः हर व्यक्ति मौन रहने तथा उससे आंखें मूंदे रहने का अपना स्वभाव बना लेता है। नदियों के माध्यम से नगरों के शौचालयों का संपूर्ण मल और औद्योगिक संस्थानों का कचरा समुद्र में पहुंच जाता है। इनके साथ साथ प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक का कचरा भी पहुंचता है। विश्व की 20 प्रमुख नदियों से प्लास्टिक का कचरा समुद्र में पहुंच रहा है, जिसमें चीन की यांगत्ज़े नदी के द्वारा 3,33,000 टन तथा भारत की गंगा नदी के द्वारा 1,15,000 टन प्रतिवर्ष पहुंचता है। आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य यह है कि प्रशांत महासागर की 10,927 मीटर की गहराई वाली गर्त मारियाना ट्रेंच में भी प्लास्टिक का कचरा पाया गया है। समुद्री जहाजों के द्वारा विश्व में लगभग 1.5 अरब तथा भारत में 10 करोड़ टन तेल का प्रतिवर्ष परिवहन होता है, जिसमें भरने और खाली करने की प्रक्रिया में प्रति 2,00,000 टन में 800 टन तेल की मात्रा समुद्र में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस, औद्योगिक रसायनों तथा कीटनाशकों का भी परिवहन होता है। दुर्घटना की स्थिति में ये पदार्थ समुद्री जल में मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। वर्तमान समय में समुद्र से तेल निकालने की होड़ मची है। तेल के कुओं से जो कीचड़ निकलता है उसमें भी लगभग 70-80 टन तेल होता है, जिसे समुद्र में ही फेंक दिया जाता है। समुद्र मनुष्य के लिए प्रकृति का एक दिव्य उपहार है,
उसमें इतना सोना है कि यदि उसे निकालकर सारी मानव जाति के 7 अरब लोगों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में लगभग 1.5 किलो सोना आएगा। समुद्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार तो है ही, चांदी, तांबा तथा जिंक सल्फाइड जैसी बहुमूल्य धातुएं भी इसके अंदर प्रचुरता से पाई जाती है। समुद्री जल के प्रदूषित होने से उसमें रहने वाली मछलियों, घोंघों आदि का जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। समुद्र के जिन प्राणियों में प्रदूषक एकत्रित हो जाते हैं, मनुष्य जब उनका आहार करता है तो उसे भी रोग ग्रस्त होना पड़ता है। प्रदूषण के कारण शैवाल आदि समुद्री वनस्पतियों की भी बहुत क्षति होती है। स्वार्थपरक मानसिकता बहुत ही घातक होती है। जिस सागर के कारण बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है, उसी सागर को मनुष्य ने आज सारे विश्व का कूड़ा घर बना दिया है। वह जरा भी नहीं सोचता कि यदि वर्षा न हो तो क्या परिणाम होगा। वन, नदियां, पर्वत, सागर सभी मानव जाति के कल्याण के लिए ही है, किंतु स्वार्थी मानव इनसे लाभ लेते लेते इन्हें ही नष्ट करने पर तुला हुआ है। ऐसा लगता है कि वह जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, 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 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।